ताज़ीम और उसकी हमद हो। और दोस्तों, आप सब लोगों की खिदमत में पादरी सलमान यूसुफ का सलाम अर्ज़ है और आप सब लोगों को नाने बका मॉर्निंग डिवोशन में खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? और खुदाम की तारीफ और उसकी हमद हो और खुदाम के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस अच्छी सुबह के लिए जो खुदाम ने हमें बख्शी, ताकि हम अपने दिन का आगाज़ रोज़ की तरह खुदाम के जलील और कदूस नाम के वसीले से करें। आइए अपने सिरों को खुदाम के हुज़ूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू जिंदा और कदूस और रहीम है। अपने जलाल और फजल से हम सबों को रास्ता कर और खुदा बख्श दे कि सारा जलाल तेरे बेटे अल मसीह के नाम को मिले, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ और उसकी हमद करते हैं और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए उसी की तज़ीम और उसी की प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि वही तमाम तर हम दो तारीफ के लायक है। और आइए मिलकर क्वायर हमारे साथ मौजूद है, खुदाम की नगमा सराई करें और खुदाम के हजूर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। बड़ा ही खूबसूरत गीत, तेरा कलाम जमाने में आए खुदा वंदा असर दिखा के रहा, जिस भी रूप में आया, और मिलकर खुदाम की तारीफ करेंगे। हालेलुया। तारीफ और उसकी हमद करते हैं इस अच्छे और खूबसूरत गीत के लिए जो खुदावन ने हमारे लिए मुकर्रर किया, और जिसने भी इस गीत को तहरीर किया है खुदावन उनको बहुत बरकत दे और अपने जलाल के लिए बकसत इस्तेमाल करता रहे। और दोस्तों, आइए मिलकर हम खुदावन के बुजुर्ग कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावन के जिंदा पाक कलाम का जो हिस्सा सुनेंगे, आज हमारे भाई शाहिद नज़ीर हमारे लिए कलाम का हिस्सा लेकर आए हैं और मैं शाहिद से गुजारिश करूंगा कि वो खुदा के पाक कलाम की तिलावत हम सबों के साथ शेयर करें।
शुक्रिया भाई साहब, हम खुदा के कलाम में से देखेंगे तो मोथियत के नाम पलूस रसूल का दूसरा खत, उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत। हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है। आमीन। खुदा के बुजुर्ग कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस रहे। आइए अपने सिरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तेरी हमद हो। और खुदा तो अपनी हिकमत और दानाई से हम सबों को खुदा आरास्ता कर, हमारे अजहान को तनवीर और जिला बख्श, ताकि पाक कलाम के इस हिस्से पर जब हम गौर खोज करने को हैं तो खुदा ये कलाम का हिस्सा हमारी जिंदगियों के लिए इंतहाई बरकत का बायस रहे। खुदा यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, याद रखिए कि जब हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखते और इस पर गौर करने को हैं, और ख़ास तौर पर मुकदस पौलुस रसूल का तिमोथियस के नाम तहरीर किया गया दूसरा खत और उसके तीसरे बाब की 16वीं आयत, जहाँ पर सहाइफ का जिक्र मौजूद है, यानी वो सहाइफ जो खुदा के इल्हाम से हैं और हमारी तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और इसके साथ साथ जो है वो खुदा के नाम को मुबारक कहते हुए हमारी रास्तबाजी के लिए इंतहाई मौजू और बेहतरीन करार दिए गए हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगियों को देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि अगर हमारी उंगलियां जो हैं वो इन सहाइफ के सफ़ात पर चलती रहें तो याद रखिए कि हम इन सहाइफ से मानूस होते चले जाएंगे। और याद रखिए कि ये वो सहाइफ हैं जो कि रूह कुद्स की तहरीक के वसीले से हम तक पहुंचाए गए और मार्ज़े वजूद में आए। और जिस वक्त हम इन सहाइफ पर गौर करते हैं तो ये सहाइफ खुदा के कलाम मुबारक में जो दर्ज किए गए हैं, यानी बाइबल मुकद्दस का जो हिस्सा है, दर हकीकत ये वो अहम और खूबसूरत मुकाशफा है कि जो खुदा की ज़बान मुबारक से अदा होकर ईमानदार के दिल तक का सफ़र तय करता है। और जिस वक्त ये एक ईमानदार के दिल में उतरता है तो वो उसकी ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर देता है। और मेरे दोस्तों, आज जब हम इन सहाइफ के बारे में बात करते हैं जो खुदा के जिंदा पाक कलाम में तहरीर किए गए हैं, तो याद रखिए कि ये सहाइफ महज कोई मुतजस्सस अदब नहीं है कि जिसको हम पढ़ें और उसके बारे में परेशान होकर उसको परखने की कोशिश करें, बल्कि हकीकत में ये एक ऐसा खुदा का अदब है जो खुदा के दिल से जारी हुआ, जो खुदा की ज़बान मुबारक से जारी हुआ और हम तक आज तहरीरी सूरत में पहुंचाया गया है। और आज हम इस मुतजस्सस अदब को सिर्फ तजस्सुस के तौर पर नहीं पढ़ते, बल्कि आज हम अपनी जिंदगियां इस अदब के वसीले से बदलते हुए एक्सपीरियंस करते हैं। और याद रखिए, ये एक ऐसा शानदार अदब है कि जो हमें डर और खौफ से निकाल कर तसल्ली और दलेरी की तरफ लेके जाता है। ये अदब एक ऐसा अदब है कि जो हकीकत में हमें खुदा की ज़ात अक़दस से मुतारिफ करवाता है। ये अदब एक ऐसा अदब है जो हमें दुनिया और कायनात के आगाज से लेकर और उसके इख्तिताम तक तमाम बातों से रूशनास करवाता है। ये अदब एक ऐसा अदब है जो हकीकत में हमारी जिंदगियों में मसीह खुदावंद की मार्फत ज़रूरत और किस तौर से हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं उसके बारे में मुकम्मल आगही और तालीम देता है। और मेरे दोस्तों, अगर आप विक्लिफ बाइबल ट्रांसलेशन की वेबसाइट को देखें तो वहाँ पर यह दर्ज किया गया है कि अभी तक दुनिया में 167 मिलियन ऐसे लोग हैं जहां तक इन सहाइफ यानी इन स्क्रिप्चर्स की तालीम नहीं पहुंची। तो मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है, एक ऐसा मुकाशफा, एक ऐसा मुकाशफाती अदब जो कि खुदावन की ज़बान मुबारक से और उसके दिल की बातें हम तक पहुंचाई गई। अगर ये सहाइफ आज के दिन तक 167 मिलियन लोगों तक नहीं पहुंचा, तो ये मेरे लिए भी सोचने की बात है और ये आपके लिए भी सोचने की बात है। आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग इस दुनिया में
आज तक अगर इन सहाइफ की तालीमात से बेबेरा और बेखबर हैं तो यकीनन ये सोचने वाली बात है। ये एक मुकाम है ऐसा कि जिस पर हम सबों का फोकस होना चाहिए कि कौन उन लोगों तक ये तालीम पहुंचाएगा, क्योंकि हकीकत में इन सहाइफ की तालीमात के वसीले से रोज बरोज जिंदगियां तब्दील होती चली जाती हैं। मेरे दोस्तों, आज हमें थोड़ी देर के लिए इस बात पर फोकस करना है, आज थोड़ी देर के लिए हमें इन सहाइफ को समझना और इनको परखना है, क्योंकि जब इन तालीमात को, जो इन स्क्रिप्चर्स की तालीमात हैं, इस खुशखबरी के पैगाम को जब हम अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो हकीकत में ये हमारी जिंदगियों को यकसर बदल देती हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, जब हम खुदा के जिंदा पाक कलाम से वाकफियत करते हैं, जब हम उसके गहरे मुकाशफे को समझने की कोशिश करते हैं, जब हम उसके दिल की बातों को जानने की सही करते हैं, तो यही वो सहाइफ हैं जो बाइबल मुकद्दस में 66 किताबों के तौर पर दर्ज किए गए। यही सहाइफ हमारी मदद करते और हमें एक मुतवाजन जिंदगी गुजारने में मदद फराहम करते हैं, कुमक फराहम करते हैं। और आज मेरे भाई मेरी बहन, आज हमें इस बात को सोचना है, क्योंकि याद रखिए कि ये सहाइफ जो खुदा के इल्हाम से तहरीर हुए हैं तो हकीकत में ये खुदा की ज़ात अक़दस का पता देते हैं। और अगर हम खुदा की ज़ात को जानना चाहें, अगर खुदा की ज़ात को पहचानना चाहें, तो फिर हमें इन्हीं सहाइफ की तरफ लौटना होगा, फिर हमें इन्हीं हरूफ की तरफ अपनी तवज्जो लगानी होगी, क्योंकि इसके बगैर याद रखिए कि कहीं कोई और किताब, कोई और अदब ऐसा नहीं कि जो खुदा की ज़ात अक़दस की गहरी और वाज़ह तालीम हम तक पहुंचाता हो। चुनाचे आज हमें इन सहाइफ यानी बाइबल मुकद्दस से अपना रिश्ता उस्तवार करना है, आज हमें बाइबल मुकद्दस को रोज बरोज पढ़ना है, क्योंकि ये खुदा के मुंह के अल्फाज हैं, ये खुदा के दिल के मुकाशफात हैं। और जिस तरह से अभी हमने ये गीत गाया भी कि तेरा कलाम जमाने में आए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। और जब इल्हाम का ये समंदर हमारे पास मौजूद है तो फिर हम इस समंदर के किनारे बैठ कर भी प्यासे रह जाएं, तो फिर दोस्तों ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। आइए आज अपने रूह की प्यास बुझाइए, अपने रूह की भूख मिटाइए और इन सहाइफ की तालीमात जो कि हमारी इस्लाह के लिए, हमारी रास्तबाजी के लिए, हमारी तालीमात को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, हमारे इल्म में इजाफा करने के लिए एक बेहतरीन सोर्स है, आज इस सोर्स को अपने अंदर उतार लीजिए, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों से राजी रहे और खुदावंद की शफकत और उसका रहम हमेशा हम लोगों पर कायम मुतायम रहे। और कलाम के इस हिस्से के वसीले से खुदावंद आप सब लोगों को कसरत की बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलील कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू जिंदा और कदूस और रहीम है। खुदाए अज़ीम, अपने रहम और अपने फजल से हम सबों को आरास्ता कर और तेरी शफकत और तेरी सलामती हम सबों पर कायम रहे, और इन सहाइफ से हमें मानूस होने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि तू ही मेहरबान और तू ही जलील खुदा है। यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हम माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाई और बहनों के साथ होता रहे। आमीन आमीन। खुदा उनकी तारीफ हो। और दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, कल आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ज़रूर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग पहली दफ़ा इस डिवोशन में हमारे साथ शरीक होने को हैं, आप लोगों से इल्तमास है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिवोशन को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिस तौर से
ये हमारी ज़िंदगी का खासा और हिस्सा होना चाहिए कि हम लोग अपना अपना हिस्सा अदा करते जाएं खुदा के कलाम को दीगर लोगों तक पहुंचाने में। तो अपना किरदार अदा कीजिए अपने फेसबुक ग्रुप्स में और अपने इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स में और जहां जहां भी जो जो चैनल आप यूज़ करते हैं, ज़रूर इस डिवोशन को शेयर कीजिएगा ताकि खुदा के कलाम को बहुत सारे लोग सुने और उससे बरकत हासिल करें। और इसके साथ साथ अपने कॉमेंट्स और अपने लाइक्स के थ्रू ज़रूर हमें अपने होने का एहसास दिलाते रहिए। खुदावन यीशु के नाम में आमीन।